हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ एक बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बिरयानी की इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान मेथड से बनाएंगे और वो भी प्रेशर कुकर में। तो अगर आपको भी इस वीडियो की डिटेल्स जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े किसी भी प्रकार की डिटेल्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं एक बिरयानी। एक बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे। पैन जब गर्म हो जाए तो उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पर एक प्याज है जिसे मैंने पतला पतला काट के रेडी किया है, मतलब प्याज को हमें थिन स्लाइस में कट करके रेडी करना है, उसे ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करने के बाद उसे हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब इस तरह का हो जाए, प्याज का टेक्सचर इस तरह का ब्राउन हो जाए, तब हम इसे किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज फ्राई करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एग को फ्राई करना। तो यहाँ पर मैंने पहले ही ऑलरेडी एग को बॉयल करके छील के रेडी कर लिया है, तो उसे फ्राई करेंगे। प्याज को अब साइड में रख लेते हैं और एग को इसी तेल में फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक, तीनों को ऐड कर देंगे और मसालों को थोड़ा सा सॉल्टी होने देंगे। मसाले हमारे फ्राई हो जाएंगे, तब यहाँ पर जो मैंने बॉयल करके एग रखा था उसे ऐड करेंगे। एग को यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हमारे एग फ्राई होके रेडी हो गए हैं, तब हम इसे किसी भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। एग फ्राई होने के बाद हमारा एग रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं बिरयानी का मसाला बनाना। तो बिरयानी के मसाला बनाने के लिए आप चाहे तो इसी पैन को यूज कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट पैन भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एक ही पैन में इस मसाले को बना रही हूँ। तो उसी तेल में यहाँ पर अब 1 चम्मच घी डालेंगे और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ऐड करेंगे। घी चाहे तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और ये सारे खड़े मसाले हैं, इन सबको ऐड करेंगे। तो ये है स्टार अनाइस एक और 1 से 2 बेलिप्स, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 4 से 5 लौंग और 2 छोटी इलायची। सारे खड़े मसालों को ऐड करेंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे, 30 से 40 सेकेंड इसको रोस्ट करेंगे। अब हमारे सारे मसाले रोस्ट हो गए तो यहाँ पर 1 स्लाइस्ड ओनियन ऐड करेंगे। स्लाइस्ड ओनियन को ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ और थोड़ा सा उसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऐड करने के बाद उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट अब हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टमाटर है जिसे मैंने फाइन चॉप करके रखा है, उसे ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद उसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर को यहाँ कुक होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। तब तक हम यहाँ पर अब दही का एक पेस्ट रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया है। दही को लेने के बाद उसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही फेंटने के बाद अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को डालने के बाद उसे दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले ऐड करके, दही के साथ मिक्स करके हम एक मसाला का पेस्ट रेडी करेंगे जिसे हम इस बिरयानी के मसाले में डालेंगे। अब हम स्पेशल कोई मसाला अलग से नहीं डालेंगे, जो भी धनिया हल्दी हमें डालना है इस दही में डाल के उसके बाद उसे इस टमाटो के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। तब टमाटर को देखेंगे, 5 से 7 मिनट के बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तब जो हमने दही का पेस्ट रेडी करा था उसे ऐड कर देंगे और यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे मिक्स करते हुए अच्छे से कुक करेंगे। दही को हमें कंटिन्यू चलाते हुए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके कुक करना है। ऐसा करने से हम जो दही ऐड करेंगे वो दही हमारा फटेगा नहीं। 5 से 7 मिनट तक हमें इसे अच्छे से कुक करना है, जब तक कि मसाले अच्छे से पक ना जाएं। अब हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, तब यहाँ पर अब 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये होममेड बिरयानी मसाला है,
आप चाहे तो इसकी जगह पे कोई भी रेडीमेड मसाला ऐड कर सकते हैं। मसाला ऐड करने के बाद उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं और मसालों ने साइड से तेल छोड़ दिया है। इस स्टेज पे ये पता लगता है कि मसाले बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तब हम इसमें अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। मसालों के पकने के बाद नमक ऐड करेंगे और उसे मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे पूरी तरह से रेडी हो गए। तब हम यहाँ पर सोक किया हुआ बासमती राइस है, ये 2 कप बासमती राइस है जिसे मैंने 30 मिनट पहले धो के सोक करके रख दिया था, उसे ऐड कर लेंगे। बासमती राइस या कोई भी चावल आप चाहे तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कभी भी चावल को यूज करें तो उसे थोड़ा देर पहले धो के उसे सोक करके रख दें। चावल मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ और यहाँ पर जो हमने ओनियन को फ्राई करके रखा था उसे ऐड करेंगे। फ्राई ओनियन को ऐड करने के बाद उसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे चावल के साथ। उसके बाद जो हमने एक को फ्राई करके रखा था उसे ऐड करेंगे। तो अंडों को धीरे धीरे आपको चावल के ऊपर एक एक करके रख देना है। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़े से मिंट के लीव्स से पुदीना के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो 2 कप चावल में यहाँ पर मैंने 3.5 कप पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब लीड को क्लोज कर देंगे और 1 विजल तक कुक करेंगे। 1 विजल होने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद कुकर का प्रेशर ठंडा होने देंगे। जब कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसके लीड को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारी बासमती राइस बन के रेडी हो गई है। बासमती 1 बिरयानी राइस बन के यहाँ पर रेडी है। अब आप इसे अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स करें और इसके टेक्सचर को देखें। देखेंगे कि आप यहाँ पर हमारे बिरयानी जो है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई है और एक एक राइस हमारे अलग अलग हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बन के हमारे रेडी हुए हैं। अब हम इसे किसी भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करते टाइम आप थोड़ा ध्यान से इसे सर्व करें ताकि अंडे जो है वो टूटे ना और चावल भी हमारे नहीं टूटने चाहिए। 1 बिरयानी की इस रेसिपी को आप भी बना के ट्राई कीजिए और इस मेथड से आप बनाएंगे तो आई होप आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। 1 बिरयानी की इस रेसिपी को आप पापड़, सलाद, रायते किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे प्याज और टमाटर के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रेसिपी की वीडियोस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।